मैं भारत निर्वाचन आयोग की सलाहकार हूँ। इसमें ब्लॉक लेवल पर एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की अनुशंसा है कि वो सबसे ज़्यादा पटना जिले से है जो वोटर की संख्या, उसके बाद भोजपुर से है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर में आपके साथ टेलीफोन। सबसे बड़ी बात है कि आज सबसे बड़ी खबर आ रही है ट्रांसजेंडरों के लिए। ट्रांसजेंडरों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने हर एक ब्लॉक लेवल पर एक बीएलओ का स्थापना किया, बीएलओ को निर्धारित किया। मतलब ट्रांसजेंडर होंगे अब बनेंगे बीएलओ। इस बात की जानकारी जो भारत निर्वाचन आयोग में सलाहकार समिति की सदस्य है, बिहार से है रेशमा प्रसाद है, जो सलाहकार समिति की सदस्य है, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग की सलाहकार समिति की बैठक हुई थी कुछ दिन पूर्व। अब वो मिलने के लिए गई थी मुख्य निर्वाचन आयुक्त बिहार। बिहार बाहर निकलने के बाद पत्रकारों को क्या कहा कुछ, पहले वो वीडियो को आप सुनो। क्या कहेंगे बीएलओ भी अब ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग रहेंगे? इससे पहले भी बिहार सरकार ने जो है कई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जो है वो अपने मैं भारत निर्वाचन आयोग की सलाहकार हूँ। उनके जो राष्ट्रीय सलाहकार समिति ऊपर करीब जो समुदाय के लिए, तो उसी के आधार पर ये ऑर्डर्स हुए, तो उसी के बारे में बात करें। क्या क्या ऑर्डर्स हुए? जो भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति है उनको बीएलओ के रूप में अपॉइंट किया जाएगा, क्योंकि ट्रांसजेंडर साथियों को डायरेक्टली कनेक्टिविटी पर इलेक्शन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन से नहीं हो पाती है। इसमें ब्लॉक लेवल पर एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की अनुशंसा है कि वो जो स्टेट में सारे स्टेट में पूरे भारत में मतलब भारत निर्वाचन आयोग ने इसको उनको ऑर्डर्स परसू किए हैं कि आप ब्लॉक लेवल पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बीएलओ के रूप में अपॉइंट करेंगे। इससे पहले तो ये नहीं था, इससे पहले ये बीएलओ के लिए ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों की स्थितियों में ट्रांसजेंडर व्यक्ति एक्सक्लूडेड थे। उसी को ब्रेक करने के लिए जो भारत सरकार की समिति सलाहकार समिति बनी हुई है समावेशी समुदाय के लिए, तो वो समावेश जो इंक्लूजन करना है उसके लिए उन्होंने ट्रांसजेंडर, सेक्स वर्कर और नोमैडिक ट्राइब्स और ऐसे व्यक्ति जिनको मतलब वोटर आईडी नहीं बन पाती, उन सारे लोगों को किस तरीके से मौके मिल सकते हैं कि वो अपना वोट दे सके, इसके लिए भारत सरकार ने स्टेट को डायरेक्शन दिए हैं कि जो भी स्टेट में इलेक्शन कमीशन्स हैं वो इस पे काम करेंगे कि वोटर हर एक ब्लॉक में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की अपॉइंटमेंट करेंगे बीएलओ के रूप में। बिहार में कितने ट्रांसजेंडर की है? लगभग 40,000 के आसपास ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, लेकिन अभी मुश्किल से 10% व्यक्ति ही वोटर लिस्ट में शामिल है। तो ये बहुत ही मार्वलेस होगा कि वो अगर ब्लॉक लेवल पर सभी लोगों को कनेक्ट कर पाते हैं तो मैक्सिमम लोगों को रीच आउट कर पाएंगे कि वो उसको उन सभी लोगों को वोटर। एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले हैं जहाँ पर लोग हैं जो वोटर हैं? आपका ये कुछ आंकड़ा है क्या? सबसे ज़्यादा पटना जिले से है जो वोटर की संख्या, उसके बाद भोजपुर से है, मोतिहारी से है, बेतिया से है, और इसी तरीके से स्थितियां हैं कि वोटर किस किस तरीके से हैं। तो लेकिन सबसे ज़्यादा मास पॉपुलेशन पटना में ही वोटर के रूप में। आपने सुना रेशमा प्रसाद जो यहाँ है ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर को वो नेता है, उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा है कि अब ब्लॉक लेवल पर बीएलओ होंगे जहाँ ट्रांसजेंडर की संख्या होगी। ट्रांसजेंडर को पहले वोटर लिस्ट नहीं था, ट्रांसजेंडर वोट नहीं दिया करते थे, अब ट्रांसजेंडर का वोटर लिस्ट बनेगा, बूथ पर जाएंगे और बूथ पर जाके अब वो अपना मतदान का उपयोग करेगी। सरकार जहां एक ओर तमाम राजनीतिक पार्टियां 2024 और 2025 की तैयारियां में लगी है, वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने पहला आदेश पूरे भारत में, ये सबसे पहली बार हो रही है कि ट्रांसजेंडर अब बीएलओ होंगे, बूथ ब्लॉक लेवल पर ट्रांसजेंडर बीएलओ होंगे। जो ट्रांसजेंडर का काम होगा वो ट्रांसजेंडर को जोड़ने का काम होगा, मुख्य धारा से जोड़ने की बात चल रही है कि जिस तरह से वोट दिए देने का अधिकार हम तमाम लोगों का है, उस प्रकार से आप ट्रांसजेंडर भी वोट देंगे और अपना मत का उपयोग करेंगे। तमाम खबरों के साथ आप बने रहे फर्स्ट चैनल। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। डू यू वॉन्ट टू बी एन एंकर, रिपोर्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर और ग्राफिक्स डिजाइनर? So start your career on a strong note with the stalwarts of media. Do it with First Bihar Jharkhand Animation Academy. 3 years full-time BSc Electronic Media course. We will teach you all the tricks of television to digital media. We will tell you all the best techniques of media. 90% practical and theory will be only 10%. We will take 100% guarantee of your job. Join us today or contact us for more details. 9304755035 or 9304755037. Animation Academy, an initiative of First Bihar, Jharkhand.